गुड मॉर्निंग एवरीवन अच्छा हमने लेबर के चार वेरिएंसेस हमने डिस्कस कर लिए ले थे लेबर कॉस्ट लेबर रेट लेबर एफिशिएंसी और आइडल टाइम फिफ्थ वेरिएंस में आपको लिखवा रहा हूँ लेबर मिक्स वेरिएंस फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेशियो फॉर एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट और फिर वेरिएंस है लेबर वेरिएंस का फॉर्मुला स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स इनटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट ठीक है अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम ये छ के छ वेरियंसिस करेंगे सर ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे आओगे जरा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सर देखोगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है आपका अ गैंग ऑफ वर्कर्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ टेन मेन फाइव विमेन एंड फाइव बॉयज इन अ फैक्ट्री They are paid at standard rate of 1.25, 0.8 and 0.7 respectively. In a normal working week of 40 hours, the gang is expected to produce 1000 units of output. In a certain week, the gang consisted of 13 men, 4 women and 3 boys. Actual wages were paid at the rate of 1.2, 0.8, 0.65 respectively. 2 hours were lost due to abnormal idle time and 960 units were produced. Calculate labor variances. Chalo, statement banalo. स्टेटमेंट शोइंग लेबर एजेंसी तीन कॉलम स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट आवर रेट अमाउंट आवर रेट अमाउंट आवर रेट अमाउंट अच्छा टाइप्स ऑफ वर्कर्स तीन है मेन विमेन और बॉयज ठीक है फर्स्ट कॉलम के ऊपर स्टैंडर्ड आउटपुट सेकंड के ऊपर एक्चुअल आउटपुट चलो करते हैं उसने कहा है, अ गैंग ऑफ वर्कर्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ टेन मेन, फाइव विमेन एंड फाइव बॉयज इसके आगे पढ़ो दे आर पेड एट स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ चलो स्टैंडर्ड रेट दे रखे वन पॉइंट टू फाइव पॉइंट एट पॉइंट सेवन अच्छा ध्यान से। तो स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखा है। 1000 units. मुझे बताओ वन थाउजेंड यूनिटेंड यूनिट बनाने के लिए आवर्स कितने लगते हैं फोर्टी तो इसका मतलब वन थाउजेंड यूनिट बनाने के लिए मेन भी फोर्टी आवर्स काम करते होंगे Women भी फोर्टी आवर्स काम करती होंगी बॉयज भी फोर्टी आवर्स काम करते होंगे ये आवर्स तो एक आदमी काम करता है ना कितने मेन थे टेन मेन तो 400 आवर्स काम हुए टोटल कितनी विमेन है फाइव विमेन 200 हंड्रेड आवर्स और बॉयज भी फाइव 200 हंड्रेड आवर्स याद रखना ये जो स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखा है 1000 यूनिट्स का ये कोई एक पर्सन का थोड़ी ना होगा ये टेन मेन, फाइव विमेन और फाइव बॉयज मतलब टोटल बीस लोगों का आउटपुट होगा तो ऑब्वियस लो लोगों को ही तो लो ना। दस मैन फाइव मल्टीप्लाई करो फाइव हंड्रेड वन सिक्सटी वन फोर्टी ठीक है अच्छा अबाउ एक्चुअल आउटपुट लास्ट कॉलम इन सर्टेन वीक द गैंग कंसिस्टेड ऑफ थर्टीन मैन फोर विमेन एंड थ्री बॉयज इसे बाद में देखते हैं अभी एक्चुअल वेजेस वर पेड एट द रेट ऑफ 1.2, पॉइंट टू चलो अब ये देखना जरा टू आवर्स वर लॉस्ट ड्यू टू एब नॉर्मल आइडियल टाइम मुझे एक बार बताओ एक वीक में कितने आवर्स थे 40. उसने कहा 40 में से दो आवर्स का आइडल टाइम है इसका मतलब देखा जाए तो एक्चुअल में काम तो सिर्फ थर्टी एट आवर्स ही हुआ है ना तो एक मैन एक मैन थर्टी एट आवर्स काम करता है तो एक्चुअल में कितने मैन काम कर रहे हैं थर्टीन मैन ठीक है अच्छा एक बात बताओ एक मैन का टू आवर्स का आइडल टाइम तो थर्टीन मैन का ट्वेंटी सिक्स आवर्स का छोटा छोटा लिख लेता हूं यहां पर फोर आवर्स काम किया और ट्वेंटी सिक्स आवर्स का आइडल टाइम ठीक है ऐसी जरो विमेन का करो एक विमेन थर्टी एट आवर्स काम करती है और एक्चुअल में फोर विमेन है तो वन फिफ्टी टू आवर्स एक का टू आवर्स का आइडल टाइम तो फोर का एट आवर्स का ऐसी यहां पर करो बॉय का एक बॉय थर्टी आवर्स काम करता है तो थ्री बॉयज एक का आइडियल टाइम टू तो थ्री का सिक्स बस और बताओ पेमेंट जो होगी वो तो फोर नाइनटी फोर प्लस ट्वेंटी सिक्स आवर्स की होगी फाइव ट्वेंटी आवर्स की इंटू वन पॉइंट टू सिक्स ट्वेंटी फोर ऐसी वन सिक्सटी इंटू पॉइंट एट फाइव वन थर्टी सिक्स वन ट्वेंटी इन टू पॉइंट सिक्स फाइव सेवेंटी एट 838 और देखना एक्चुअल आउटपुट आपने कितने यूनिट्स का प्रोड्यूस करा 960 यूनिट्स का चलो अब बनाओ थर्ड कॉलम 1000 यूनिट्स बनाने के लिए 400 हंड्रेड आवर्स मैन के तो 960 यूनिट्स को बनाने के लिए 384 1.25 के हिसाब से 480 ऐसे ऐसे विमेन के 192 टू आवर्स पॉइंट एट के हिसाब से वन फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्स और बॉयज के भी वन टू आवर्स पॉइंट सेवन के हिसाब से वन थर्टी फोर पॉइंट फोर सेवन सिक्सटी एट ये आपकी स्टेटमेंट बन गई स्टेटमेंट शोइंग लेबर वेरिएंसेस चलो अब हम सारे वेरिएंसेस निकालेंगे करना शुरू करो पहला लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट 768 एक्चुअल कॉस्ट 838 तो वेरिएंस आपका 70 एडवर्स सेकंड लेबर रेट वेरिएंस फार्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स चलो अलग अलग निकालेंगे मेन का विमेन का और बॉयज का पेरेंट का स्टैंडर्ड रेट लिखो 1.25, 0.8, 0.7 एक्चुअल रेट 1.2, 0.85, 0.65 इनटू बताना कौन से वाले एक्चुअल आवर्स लोगे इंक्लूडिंग आइडल टाइम 520, 160, 120 तो 26 फेवरेबल एट एडवर्स सिक्स फेवरेबल ट्वेंटी फोर फेवरेबल ये आपका लेबर रेट वेरियंस फिर थर्ड लेबर एफिशिएंसी वेरियंस फॉर्मुला स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट मेन विमेन बॉयज. चलो मुझे पहले बताओ स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स थ्री 192, फोर वन नाइन्टी टू वन नाइन्टी टू माइनस एक्चुअल आवर्स कौन से वाले लोग एक्सक्लूडिंग आइडल टाइम फोर नाइन्टी फोर वन फिफ्टी टू हंड्रेड एंड स्टैंडर्ड रेट वन पॉइंट टू फाइव पॉइंट एट पॉइंट One thirty seven point five adverse thirty two favorable fifty four point six favorable. 50.9 adverse 50.9 एडवर्स एडवर्स तो ये आपके तीन वेरिएंसेस हो गए अच्छा अब फोर्थ करते हैं फोर्थ है आइडियल टाइम वेरिएंस। फॉर्मूला आइडियल टाइम आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट मेन का विमेन का बॉयज का आइडियल टाइम आवर्स 26, 8, 6, स्टैंडर्ड रेट 0 0 तो हमेशा एडवर्स फोर पॉइंट टू एडवर्स और पहला वाला आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स इंटू वन पॉइंट टू फाइव थर्टी टू पॉइंट फाइव एडवर्स टोटल कर लेते हैं इसका फोर्टी थ्री पॉइंट वन एडवर्स और इसका ना चाहो तो क्वेश्चन में एक चेक भी बना सकते हो कॉस्ट वेरियंस विल बी इक्वल टू रेट प्लस एफिशिय प्लस आइडल टाइम चेक करके देखना आंसर टैली होना चाहिए आपका ठीक है ये ये चेक लिख लेना चाहिए चलो चार तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अब हम नया एक वेरियंस करेंगे मिक्स वेरियंस लेबर मिक्स वेरियंस फॉर्मला स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेशियो फॉर एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट मेन विमेन बॉयस चलो सुनो सुनो याद करो जैसे मटेरियल मिक्स वेरिएंस था सेम है तीन चीजें चाहिए आपको स्टैंडर्ड एक्चुअल रेशियो और एक्चुअल आवर्स चलो रेशियो बनाओ स्टैंडर्ड रेशियो टू इज टू वन इज टू वन अच्छा अब बनाओ एक्चुअल रेशियो अच्छा एक्चुअल रेशियो बनाना एक्सक्लूडिंग आइडियल टाइम 494 नाइन्टी फोर इज टू वन इज टू हंड्रेड और एक्चुअल आवर्स भी एक्सक्लूडिंग आइडियल टाइम लेना 494 नाइनटी फोर प्लस वन प्लस हंड्रेड एंड अब बताओ क्या करते हो पहले एक्चुअल आवर्स को बांटोगे स्टैंडर्ड रेशियो में फिर एक्चुअल आवर्स को बांटोगे एक्चुअल रेशियो में चलो बांटो 760 को पहले टू इज टू वन इज टू वन में बांटो 380, 190, 190 माइनस 494, 152, 114 इनटू स्टैंडर्ड रेशियो बताओ 1.25, 0.8 0.7 सेवन ठीक है चलो सॉल्व करो अब वन फोर्टी टू पॉइंट फाइव नेगेटिव आ रहा है एडवर्स थर्टी पॉइंट फोर फेवरेबल 53.2 फेवरेबल 58.9 एडवर्स यह आपका मिक्स वेरिएंस और लास्ट आता है इसमें हमारा लेबर यील्ड वेरिएंस फॉर्मूला। स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स इनटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट चलो ये भी देखते हैं एक बार देखो एक बार कैसे करना है आपको क्या चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए फॉर एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आवर्स के लिए निकालने से पहले देखो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड आवर्स एडअप करो कितने स्टैंडर्ड आवर्स लगाते हो 800 तो 800 स्टैंडर्ड आवर्स लगा के 1000 यूनिट्स का आउटपुट प्रोड्यूस होता है तो 760 के एक्चुअल आवर्स लगा के करो 1000 डिवाइड बाय 800 760 950 यूनिट्स का एक्चुअल आउटपुट तो यहां पर रख दो स्टैंडर्ड आउटपुट 950 का एक्चुअल 960 इनटू अब ये बताना जरा ये बताना मुझे एक बताओ हजार यूनिट का स्टैंडर्ड आउटपुट बनाया खर्चा कितना आया आठ सौ रुपए का खर्चा आया हजार यूनिट्स को बनाने में आठ सौ का खर्चा तो एक यूनिट को बनाने में अस्सी पैसे का खर्चा पॉइंट एट जीरो का खर्चा तो वेरियंस आ जाएगा रुपीस एट नेगेटिव आएगा तो फेवरेबल नेगेटिव आएगा तो फेवरेबल ठीक है और लास्ट में आप चाहो तो एक इसका चेक वेरिएंस भी बना सकते हो एफिशिएंसी वेरिएंस विल बी इक्वल टू मिक्स प्लस जील वेरिएंस, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूं